नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमनलाल। इंजीनियरिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर कहां पर लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाया जाता है और लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले समझते हैं अपन लाइटनिंग अरेस्टर क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। अब समझते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर कहां पर लगाया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर काफी जगहों पर लगाया जाता है, जैसे बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, टावर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, मकान के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, उस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो टॉप का वायर होता है, जो स्टील का वायर होता है, पतला वायर होता है, वह भी एक लाइटनिंग अरेस्टर का ही काम करता है। और जो ग्रिड सब स्टेशन होता है, उस ग्रिड सब स्टेशन में भी लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। अब समझते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए, बचाने के लिए, बचाव के लिए लगाया जाता है। जब आसमान में बादल आमने सामने टकराते हैं, तब एक चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी को अपन बिजली कहते हैं। उस बिजली का इतना हाई ओवरलोड करंट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और आसमान से गिरने वाली बिजली हमेशा पॉजिटिव की ओर भागती है, मतलब आसमान से जो बिजली गिरती है वह जमीन के अंदर जाने की कोशिश करती है, और जहां पर पॉजिटिव पॉइंट पहले मिल जाता है, वहीं से आसमान से गिरने वाली बिजली जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हो जाती है। तो लाइटनिंग अरेस्टर मकान के ऊपर लगाया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, टावर के ऊपर लगाया जाता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लगाया जाता है और ग्रिड सब स्टेशनों में लगाया जाता है। और लाइटनिंग अरेस्टर सबसे ऊपर लगाया जाता है, और लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग रोड होती है, वह अर्थिंग रोड डायरेक्ट जमीन में अंडरग्राउंड की हुई होती है। जब आसमान से बिजली गिरती है, तो वह लाइटनिंग अरेस्टर उस आसमान से गिरने वाली बिजली का जो हाई ओवरलोड करंट होता है, उसको पकड़ देता है और पकड़ के डायरेक्ट जमीन में अंडरग्राउंड कर देता है, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर को आसमान से गिरने वाली बिजली से बचने के लिए, बचाव के लिए, बचाने के लिए लगाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। अब समझते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में अलग अलग डिटेल में अलग अलग समझेंगे। हर एक लाइटनिंग अरेस्टर को अलग अलग वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।